आत्मा नमस्ते, मैं गॉड्स लव हीलिंग चैनल डॉक्टर शरल डाबे हूँ। सेक्रल चक्र, सेक्स चक्र, स्वादिष्टाना चक्र। आपकी ज़िंदगी में ऐसा वाक्य हुआ होगा जब आप अपने ही घर के बाहर अटक गए हो, आपके पास चाबी ना हो और कितने देर तक आपने घंटी बजाई हो पर किसी ने खोला ना हो। तो ऐसे समय पे आपको सबसे पहले डर लग जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है। और जब आपको पता है कि हर चीज़ घर के अंदर सही है और फिर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और थोड़ी देर के बाद आप बहुत ज़्यादा हताश होने लगते हैं कि ये मैं कहाँ फंस गया, मैं क्यों यहाँ पे अटका हुआ हूँ। आप शक्तिहीन महसूस करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया मेरे साथ कि मैं यहाँ पर अपने ही घर के बाहर फंस गया। अगर आप ऐसा ही कुछ महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका सेक्रल चक्र, सेक्स चक्र या स्वादिष्टान चक्र खराब है या फिर सुषुप्त अवस्था में है। भगवान ने हमें प्राण दिए हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, पर क्या हमारे प्राण में ज़िंदगी है? क्या क्या हम हर चीज़ खुशी से अनुभव कर सकते हैं? क्या क्या हम हर चीज़ में एन्जॉयमेंट ला सकते हैं, खुशी व्यक्त कर सकते हैं? क्या हम खुल के खेल सकते हैं, ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हैं क्या? तो ये अगर नहीं कर पा रहे हैं हम, अगर उदासीनता में हैं, डिप्रेस्ड हैं या हमें डर है, हम बहुत भावुक हैं, गिल्टी फील करते हैं, हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, तो ये सब चीज़ें हमारे सेक्रल चक्र जो ब्लॉक्ड हैं उसकी वजह से होते हैं। और अगर आपको बीपी है, एडिक्शंस हैं, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर आपको शारीरिक परेशानी है, अगर आपको किसी चीज़ या व्यक्ति की लत है, एडिक्शन है, सेक्सुअल इश्यूज हैं, बहुत ही ज़्यादा व्यय विचार आते हैं या आपका लिबिडो बहुत कम है, डिप्रेशन है, यूरिनरी डिसफंक्शन है, किडनी में इश्यूज है, ब्लैडर में इश्यूज है, इन सभी सूरतों में हम ये समझ सकते हैं कि आपका सेक्रल चक्र बंद है, इनएक्टिव है या फिर ब्लॉक्ड है। आपने अपने बच्चों में ये अनुभव किया होगा कि कुमार अवस्था में या टीनेज में वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी भी चीज़ की बहुत जल्द उनको लत लग जाती है, किसी व्यक्ति या मोबाइल या टीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका अटैचमेंट बढ़ जाता है या फिर उनका ध्यान उन्हीं में चला जाता है, ना कि पढ़ाई में। तो ये उनके शारीरिक चेंजेस की वजह से उनका तालमेल, उनके सेक्रल चक्र का तालमेल बिगड़ा हुआ है और इस वजह से वो ऐसी सब चीज़ें करते हैं। हम गॉड्स लव से आपका सेक्रल चक्र, सेक्स चक्र, स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट करेंगे। इससे जो वे विचार आते हैं वो काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे। अगर आपका लिबिडो बहुत ज़्यादा कम है तो वो भी नॉर्मल हो जाएगा, हार्मोनल बैलेंस होगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स है, वो भी ठीक हो जाएगी। और जैसे एक फूल खिलता है वैसे आप अंदर से खिला खिला महसूस करेंगे, नई नई चीज़ें बनाने का मन करेगा, नई चीज़ें करने का मन करेगा, आप खुशी महसूस करेंगे, रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देंगे, आपको उनकी बातें इतना परेशान नहीं करेगी, इतना ज़्यादा आपको टॉर्चर नहीं करेगी, आप इतने ज़्यादा खुश और प्रफुल्लित रहेंगे, दिल से हर चीज़ करना शुरू करेंगे, सबके लिए आपका प्यार भी बढ़ जाएगा और जीवन में रोमांस या चुलबुलापन भी आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी वापस आ गई। सबसे महत्व की बात यह है कि जो चीज़ आप कर नहीं पा रहे हैं, जिसमें आप शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं, जो आप अपनी ज़िंदगी में अटका हुआ महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर ताकत नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने की या फिर वो चीज़ें चेंज करने की, तो आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान बहुत ही आसानी से रचनात्मक तरीके से कर पाएंगे और अपने समाधानों के लिए आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं होंगे। गॉड्स लव ट्रांस एक्टिवेशन ऑफ सेक्रल चक्र 10 दिन का व्हाट्सएप सेशन है। पहले 4 दिन सेक्रल चक्र, नाड़ियाँ
और उनसे लगते हुए सभी ऑर्गन्स का शुद्धिकरण होगा। नकारात्मक भावनाओं का शुद्धिकरण होगा, डर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, इन सभी से शुद्धिकरण होगा। दूसरे दो दिन सेक्रल चक्रा को गॉड्स लव के द्वारा, परमात्मा के प्रेम के द्वारा, परमात्मा की ऊर्जा के द्वारा एक्टिवेट किया जाएगा। और उसके बाद चार दिन सेक्रल चक्रा के ऊपर काम किया जाएगा, उनका बैलेंसिंग किया जाएगा और प्रोग्रामिंग भी किया जाएगा। हम आपको सेक्रल चक्र कवच देंगे और एक सेक्रल चक्र मेडिटेशन भी देंगे। ये पूरे सेशन के दरमियान आपको मात्र एक्टिवेटेड वाटर ही पीना है। ये एक व्हाट्सएप सेशन है मात्र 777 रुपये का। एनरोल करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और लोकेशन भेजिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आत्मा नमस्ते आप सभी को।